भारत में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 870 के पार चली गई, जबकि अब तक इस वायरस से 19 लोगों की जान भारत में जा चुकी है। मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। उधर लॉकडाउन का चौथा दिन है, लेकिन देश के कई हिस्सों में मजदूरों का पलायन चिंता का सबब बन गया है। मजदूर पैदल ही अपने परिवार के साथ में गृह राज्य के लिए लौट रहे हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। इसमें मांग की गई कि कोर्ट प्रशासन को आदेश दे कि इन लोगों को हर जगह शेल्टर होम में रखकर तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाए। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में कोरोना पॉजिटिव के नए 6 मामले सामने आए। इसमें 5 मामले मुंबई और 1 नागपुर से सामने आया है। इस तरह यहां कल कोरोना पॉजिटिवों की कुल संख्या बढ़कर 159 तक जा पहुंची। और भारत में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 19 लोगों की मौत अब तक इस संक्रमण के चलते भारत में हो चुकी है। 870 का आंकड़ा बताया जा रहा है, जो कि पूरे देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का पार कर चुका है। मुंबई के महाराष्ट्र से भी 6 केसेस यहां पर नए सामने आए। 5 मुंबई के महाराष्ट्र से और 1 मामला नागपुर से यहां पर सामने आया। और इसी के साथ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 870 का आंकड़ा है पार कर चुकी है। इसी बीच जो मजदूरों का पलायन है वो भी चिंता का सबब बन गया है। चूंकि इस हालात में सभी लोगों को घर पे ठहरने की हिदायत लगातार दी जा रही है, इसी बीच मजदूर तबके के लोग चिंताग्रस्त होकर अपने परिवार सहित ही पैदल यहां पर अपने गृह राज्य के लिए पलायन कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार यहां कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वैश्विक एक समस्या बन चुकी है। भारत की अगर बात की जाए तो 870 का आंकड़ा यहां पार हो गया, 19 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र से लगातार इतने केसेस सामने आ रहे हैं। मजदूर बेचारे जो है अपने परिवार के साथ में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या स्थिति देखती है आप पूरे मामले को लेकर? देखिए जैसी अभी पूरे विश्व में 5 लाख के ऊपर ये आंकड़ा हो गया और लगभग 19,000 से ऊपर लोग जो है मर चुके हैं। हालांकि सिर्फ 1 लाख जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ठीक हो गए पूरी दुनिया में। भारत की बात करें तो लगभग ये जो आंकड़ा है मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया है, उसमें 873 टोटल मामले हैं जिसमें 19 डेथ हो गई है। केवल महाराष्ट्र में ही 5 लोगों की मौत हो गई है। वैसे में जो नए मामले आए हैं उसमें भी महाराष्ट्र में 6 नए लोग जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। गुजरात में 6 मामले आए हैं, साथ में राजस्थान में भी 3 मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में भी अब कर्फ्यू लग गया है जयपुर शहर में। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि दिल्ली में जिस तरीके से कर्फ्यू लगा था, इसको देखते हुए तमाम जो मजदूर हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। केवल दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र और इसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लॉकडाउन को देखते हुए मजदूरों को जब काम नहीं मिल रहा है तो वो अपने अगली राज्य की तरफ जा रहे हैं। यूपी ने इसको लेके एक स्टेप उठाया है, जिस तरीके से तमाम विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे थे कि केवल फॉरन से भारतीयों को देश लाया जा रहा था, लेकिन जो यहाँ के मजदूर है वो पैदल जाने के लिए मजबूर है। ऐसे में 1000 बसें चलाई गई हैं यूपी सरकार की तरफ से और 28 और 29 तारीख को इन 1000 बसों में दिल्ली यूपी का जो बॉर्डर है वहां से यूपी के तमाम इलाकों में इनको अपने गृह राज्य में क्षेत्र में ले जाकर मजदूरों को छोड़ा जाएगा। जी। प्रीता, आपसे जानना चाहूंगी कि मजदूरों के पलायन का जो अभी विषय है वो कोरोना के अतिरिक्त एक और चिंताजनक विषय बन चुका है, चूंकि सभी को इस दौरान घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। पर्याप्त प्रिकॉशन नहीं होने के चलते अपने बच्चों के साथ कई वीडियोस में देखा गया है कि लोग नंगे पैर ही निकल रहे हैं। इनके पास में चप्पल तक मुहैया नहीं हो पा रही है, इतनी इनकी दयानक स्थिति बनी हुई है। लेकिन अभी तक क्या कारण है कि इतने प्रशासन के द्वारा इतनी सारी योजनाएं इनके लिए लगातार घोषित की जा रही है? खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने इतनी सारी योजनाएं लागू की और उनके ऊपर अपनी मुहर लगाई, लेकिन अभी तक कौन सा ये तबका है जो इन सभी चीजों से माकूल रह गया है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जागरूकता का अभाव इसे कह सकेंगे, या फिर अन्यंत्र ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इतना इन्हें मजबूर होना पड़ा कि नंगे पैर ही अपने अपने घरों से निकल चुके हैं ये सभी लोग?
देखिए, जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से आर्थिक पैकेज, एक आर्थिक राहत की बात की जा रही थी, जी वो उन लोगों को मिलेगा और राशन की दुकानों में आती है 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, जिनके पास राशन कार्ड है बीपीएल होल्डर को। लेकिन कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जिनका बैंक अकाउंट जो है सरकार के पास नहीं है, तो उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ सकते। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर एक स्कीम लागू की गई है कि जो नाइट शेल्टर्स हैं, जो रैन बसेरे हैं, वहां पर खाना मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन सुबह शाम 2 वक्त का खाना जो है तमाम जो मजदूर लोग हैं उनको ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है, भोजन की जी लाइनें हैं और भरपूर मात्रा में नहीं है। हालांकि आज 4 लाख मजदूरों को भोजन कराने की बात की जा रही है दिल्ली सरकार की ओर से, लेकिन हर क्षेत्र में, हर राज्य में ये फैसिलिटी नहीं है। हालांकि इस बीच में कुछ गुरुद्वारे भी शामिल हुए हैं, लंगर चलाया जा रहा है, मंदिरों में लंगर चलाया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी है। ऐसे में तमाम वो जो मजदूर है, वो जो कि रोज पैसा कमाते थे, दिहाड़ी मजदूर थे, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अपने अपने गृह क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं। खासतौर पर मनरेगा में जो गर्मियों का सीजन है, मई जून के समय पे अधिक काम मिलता है गाँव में, तो ऐसे में मनरेगा में काम करने के लिए भी ये जो मजदूर है वो पलायन कर रहे हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र है तो ऐसे में वहां पर जो है खेती को देखते हुए ये तमाम जो मजदूर है वो वापस जा रहे हैं। तो यूपी सरकार ने जरूर इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बंदोबस्त किया है, लेकिन अब बिहार ने क्या कुछ किया है ये देखने वाली बात है। हालांकि बिहार सरकार ने जरूर एक पैकेज जारी किया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी मजदूर जो है बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सुविधा के वो अपने घर वापस लौट रहे हैं। छोटे बच्चों से लेके पूरा का पूरा जो परिवार है वो लौट रहा है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रीत किरण। आपको एक बार फिर से बता दें, भारत में अब लगातार कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 800 का आंकड़ा यहाँ पर कोरोना के संक्रमित मरीजों का पार कर चुका है। 19 लोगों की इसी बीच में मौत की खबर भी सामने आई है।